पाकिस्तान को अब यह नारा भारी पड़ने जा रहा है, जिसमें वह कहता था, तुर्की दोस्त है प्यारा, तुर्की उन पाकिस्तानियों पर सख्त हो चला है जो छुपकर तुर्की में आए और ऐस उड़ा रहे हैं। इन पाकिस्तानियों की गिनती 2-4 हजार नहीं है, बल्कि यह 1 लाख से ऊपर है। इन पाकिस्तानियों ने तुर्की की नाक में ऐसा दम कर रखा है जिसकी वजह से तुर्की ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। तुर्की ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान ने अगर इन पाकिस्तानियों को वापस नहीं लिया तो तुर्की और पाकिस्तान के संबंध आज जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं वह और निचले स्तर पर पहुंच जाएंगे। तुर्की काफी समय से पाकिस्तान को चेतावनी देता आ रहा है कि अवैध रूप से तुर्की में घुसे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस ले, मगर पाकिस्तान इसमें आनाकानी करता रहा है। इस वक्त तुर्की ने ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों के आंकड़े जारी कर दिए हैं जो तुर्की में घुसपैठ करके घुसे थे। तुर्की ने पाकिस्तान को बता दिया है कि 50,248 पाकिस्तानी तुर्की में कचरे के रूप में मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की के 18 सूबों के 21 सेंटर पर 3,110 पाकिस्तानी तुर्की जेलों में बंद हैं। यह सभी पाकिस्तानी गैरकानूनी रूप से तुर्की में घुसे थे। इन पाकिस्तानियों में अधिकांश जराइम की दुनिया से जुड़े हैं और 6,000 से ऊपर पाकिस्तानी तुर्की की सड़कों पर भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इन अवैध पाकिस्तानियों में अधिकांश युवा हैं। 8% पाकिस्तानी अधेड़ हैं, जिनमें से अधिकतर वर्ष 2018 में ईद से पहले तक भीख मांगने के लिए पाकिस्तान से तुर्की में घुसे थे। तुर्की ने यह भी बताया कि पिछले 4 महीनों के दौरान पाकिस्तान से तुर्की में घुसे 1,215 पाकिस्तानियों को उसने गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी सरकार काफी समय से इन्हें वापस लेने के मामले में झांसे देती रही है, परंतु अब तुर्की ने बेहद कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेताया है तो इमरान खान ने FIA तथा नादरा की संयुक्त टीम बनाने की घोषणा की है, जिसका 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जुलाई में तुर्की जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच करेगा। पर मामला यहां तक नहीं है, इस मुल्क की नस्ल में दूसरों की धरती पर घुसपैठ करने का DNA पहले से ही मौजूद है। कंगाल और भुखमरा यह मुल्क दूसरे की थाली की झूठन कुकर बनकर जीभ से चाटने के रोग से पीड़ित है। इससे पहले अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने यही ड्रामा रचा था, मगर अमेरिका ने पाकिस्तानी कचरे को हवाई जहाज में लादकर वापस पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर पटक दिया। पाकिस्तान की समस्या यह है कि जितने अवैध लोग उसने दूसरे देशों में भेजे हैं उनसे हर महीने इस मुल्क को डॉलर नसीब होते हैं। अब जैसे जैसे इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है उसके डॉलर में भी कमी आ रही है, यानी पाकिस्तान पर पड़ने वाली मार चारों ओर से पड़ रही है। एक तो कंगाल, ऊपर से लौटता अवैध माल। वैसे यह इस मक्कार मुल्क की रणनीति भी रही है कि ISI और पड़ोसी देशों की सीमा पर मौजूद पाक आर्मी की बदौलत यह अवैध रूप से पाकिस्तानियों को दूसरे देशों में भेजता रहा है। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए दूसरे देशों में जाने पर या तो भीख मांगते हैं या फिर जराइम की दुनिया में शामिल हो जाते हैं, जहां यह अपराध करके उस देश की शांति भंग करने का काम करते हैं। तुर्की के हालात भी आज इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से बिगड़ रहे हैं। इस देश में पिछले 3 वर्षों से अपराध दर में 6% की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि पकड़े गए अधिकतर अपराधियों में पाकिस्तानी लोग संलिप्त पाए गए हैं। तुर्की ने कहा है कि अभी जो आंकड़े पाकिस्तान को दिए हैं वह अंतिम नहीं है, उसकी जांच जारी है। वह एक भी अवैध पाकिस्तानी को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। 1 लाख के करीब अवैध पाकिस्तानियों के तुर्की में मिलने से पूरा तुर्की प्रशासन सन्न है और उसने अपनी कार्रवाई सख्ती के साथ तेज कर दी है। पर यह पाकिस्तान है, मदरसों वाला वो देश जहां पढ़कर लोग इंजीनियर नहीं बनते बल्कि घुसपैठिया बनते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार मदरसों के बजट में कटौती हुई तो HSC अपने तहमद कुर्ते इस्लामाबाद के चौराहे पर लटकाने आ गई। डॉक्टर तारिक तो इतने आहत हुए कि इमरान खान के बालों में च्युइंगम चिपकाने का ऐलान कर चुके हैं। मतलब मदरसों के बजट में कटौती करने का फैसला इमरान खान को भारी पड़ने जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर तारिक विनोली ने कहा है कि इस बजट से मदरसों के लिए तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा और बच्चों को तालीम बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। यानी इस मुल्क में दीनी तालीम पर तो भरपूर जोर है, मगर उन्नत सभ्यता के लिए इस देश में कोई प्रगति आज तक नहीं है। जबकि भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान का मोदी सरकार का निर्णय भारतीय मुस्लिमों को विकसित लोगों में शुमार करने जा रहा है। मतलब साफ है, दुनिया में गंदगी फैलाने वाला पाकिस्तान नाम का यह खटारा मुल्क हर जगह बदनुमा दाग की तरह है। इस देश का कचरा जहां भी घुसता है यह अपनी कारस्तानी से बिल्कुल बाज नहीं आता। बड़ी बात यह है कि इसका अधिकतर शिकार इसके मित्र देश ही बनते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी मक्कारी प्रवृत्ति के आगे मित्रता शत्रुता के कोई मायने नहीं है। यह केवल अपने स्वार्थ हासिल करने वाला मुल्क है। इस देश के लिए बड़ा झटका और भी लगने जा रहा है।
खाड़ी के अन्य देशों में ईद से पहले जो पाकिस्तानी कटोरा उठाकर भीख मांगने गए थे, उनमें से अभी तक एक भी पाकिस्तानी वापस नहीं लौटा है। यह सभी देश भी पाकिस्तान को डंडा चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इन देशों में गए सभी पाकिस्तानी लापता हो चुके हैं और इन मुल्कों की एजेंसियां उनकी तलाश कर रही है। पर कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। यानी डॉक्टर तारिक का यह ऐलान बिल्कुल सही है कि वह इमरान खान के बालों में च्युइंगम जरूर चिपकाएगा। च्युइंगम चिपक गई तो जनाब सिर खुजलाएंगे, सिर में खुजलाएंगे तो नए आइडिया आएंगे और उसके बाद नया पाकिस्तान बनाएंगे। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।